वेलकम टू माई न्यू यूट्यूब चैनल। आज हम घूमने जा रहे हैं त्रुण, तो यहाँ से हमारा सफ़र तय हो रहा है, तो आपको हम लेके जाएंगे त्रुण। तो देखिए ये मेरे भाई लोग जा रहे हैं, हम पहुँच चुके हैं दलाई लामा टेम्पल। ये देखिए यहाँ पर दलाई लामा टेम्पल का रास्ता है, और बस थोड़ी देर में मैकलोडगंज पहुँचने वाले हैं। हम पहुंच चुके हैं मैकलोडगंज मार्केट में। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं मैकलोडगंज मार्केट पे। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं हम, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। देख सकते हो आप, तो ये देखिए गाइस हम पहुंच चुके हैं मैकलोडगंज। हम पहुंच चुके हैं मैकलोडगंज, आपको दिख ही रहा होगा जिस तरह से हम यहाँ पे घूमने जा रहे हैं। ये देखिए मेरा भाई जो आगे चला हुआ है वीडियो शूट करते हुए। ये देखिए हम मैकलोडगंज पहुंच चुके हैं, ये मैकलोडगंज का चौक है, देख रहे होंगे आप सभी ठीक ढंग से, यहाँ पे मैकलोडगंज का दिख रहा होगा आपको। ये फोटो शूट कर रहे हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं धर्मकोट, आप देख सकते हो, और इस जगह का नाम धर्मकोट इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे बहुत से धर्म के लोग रहते थे और अभी भी रहते हैं, तो आपको मैं दिखा सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे आने के लिए बस मिलेगी धर्मशाला से और मैकलो तक आपको छोड़ देगी। तो ये देखिए गाइस जिस तरह से आपको दिखा रहे हैं, गाइस हम पहुंच चुके हैं गलू टेंपल, देख सकते हो ये गलू टेंपल है। ये गलू टेंपल का व्यू दिखाया आपको, ये देखिए व्यू भाई छोटा, साथ में जा रहे हैं हम दोनों घूमने, और वो तीसरा जो है वो है, तो हम तीन ही लोग जा रहे हैं। थकी बहुत थक चुके हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं है और पैदल ही घर से चले हुए हैं। गाइस कभी भी यहाँ पर आना हो तो यहाँ पे कूड़ा कचरा ना डालें, जो भी खाएं अपने बैग में डालें जो उसका रैपर होता है, ताकि नेचर को गंदा ना करें। नेचर जो है लोग आजकल गंदा कर रहे हैं, जहाँ पे खा रहे वहीं पे फेंक रहे हैं, पर आप बिल्कुल ऐसा मत करिए जब भी घूमने आए हुए यहाँ पे। तो ये देखिए आपका व्यू दिख रहा होगा, ये देखिए गाइस हम पहुँच चुके हैं जंगल में, और ये मेरे साथ है मेरा भाई बने हुए इस वीडियो में। ये देखिए कैसे चला हुआ है, ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं किस तरह का रास्ता है यहाँ हमें जाने के लिए, ट्यूंट जाने के लिए कैसा रास्ता है, देखिए दिख रहा होगा आपको अच्छे। तो ये देखिए हमको जाना है उस चोटी पे, ये चोटी अभी बहुत दूर है, लगता है शायद आधा घंटा और लग जाएगा जाने के लिए। ही गाइस रास्ता वो दोनों लोग आगे जा चुके हैं, मुझे अकेला छोड़ दिया है पीछे, कभी मैं जा रहा हूँ उनकी तलाश में, देखते हैं कहाँ पे पहुंचे हैं वो लोग। और ये पहाड़ियाँ आपको दिख रही होगी, ये त्रुण की पहाड़ियाँ हैं जो कि धौलाधार रेंज के नाम से जानी जाती हैं। ये देखिए इन लोगों ने चिप्स खोल दिया है, देखिए कैसे खा रहे हैं, ये देखिए। धूप बहुत तेज लगी हुई है और हम लोग थक चुके हैं, बस थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट करेंगे यहाँ पे। लगभग आधा घंटा हो गया हमको चले हुए, थकान महसूस हो रही है बट इतनी नहीं हो रही है क्योंकि हम चले हुए हैं
स्टैमिना बचा के अपना। और ये देखिए कैसा व्यू दिख रहा है अभी यहाँ से, वादियाँ हैं ये हसीन वादियाँ। इतना प्यारा रास्ता है, कुदरती रास्ता, ऐसा रास्ता तो शहरों में देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट गाँव में और पहाड़ी इलाकों में बहुत रास्ता मिलेगा ऐसा देखने को आपको। ये देखिए कैसे कैसे चलना पड़ रहा हमको, मुसीबतों का सामना करते हुए हम लोग आगे जा रहे हैं आपके। देखो दोस्तों आपको पूरा धर्मशाला दिख रहा होगा यहाँ से, और ये क्रिकेट स्टेडियम। मेरे फ़ोन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है इसलिए आपको मैं ऐसी वीडियो दिखा सकता हूँ। ये देखिए हम पहुँच गए हैं मैजिक व्यू। ये देखिए इस जगह का नाम है मैजिक व्यू, ये मुझे नहीं पता पर इस जगह का नाम मैजिक व्यू क्यों रखा गया है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है और नजारा। इसकी टाइम टाइम फीस ये बोल रहा मेरे को उठा के ले चल, दूसरा का भी बुरा हाल होगा दूसरे बड़े का भी। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रकृति को साफ रखें, तो जब आप आओगे तो प्रकृति को सिर्फ साफ रखें, गंदा ना करें। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं त्रिंड, बस ये थोड़ी सी दूर बचा है, 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है। तो ये देखिए पीछे चले हुए हैं, बहुत थके हुए हैं जो कि भागते भागते आए नीचे से। अब आपको बस ये त्रिंड का व्यू दिखाने जा रहा हूँ मैं, बस दिल थाम के बैठिए। ये देखिए बस यहाँ पे धूप आ गई है और थोड़ा मौसम भी थोड़ा खराब है। तो देखिए देखिए गाइस त्रिंड आ चुका है और हम हैं इन पहाड़ों पे। ये देखिए बस पहुँच गए त्रिंड। देखिए गाइस तो हम पहुँच चुके हैं त्रिंड और यहीं पे हमारा सफर खत्म होता है। ये देखिए पहुंच गए हम धौलाधार रेंज। ये देखिए और ये बकरियां चली हुई यहाँ पे, भेड़ बकरियां। देखिए पहुंच गए हम त्रिंड, त्रिंड का व्यू देख सकते हैं आप। हम पहुंच गए पीछे देख सकते हैं धौलाधार पहाड़ियां और ये दोस्तों हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें ताकि मैं आपके लिए न्यू वीडियो बना सकूं।